अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और ये एक मेरी फॉलोवर हैं जिन्होंने मुझसे काफ़ी दिनों पहले रिक्वेस्ट की थी कि आप जाकर के अल हरम की वीडियो ज़रा से बना दें। अल हरम सेंटर यहाँ पे आई थिंक सऊदी अरेबिया में हर सिटीज़ में है, और जद्दा में भी था और यहाँ रियाद में भी है। तो फर्स्ट टाइम तो हम लोग रियाद के अल हरम विज़िट कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा है और अच्छा भी लग रहा है, और यहाँ पे भी अच्छे आपको हर चीज़ें मिल जाती हैं एज अ सेंटर पॉइंट। वैसे हम लोग तो ज़्यादातर सेंटर पॉइंट ही विज़िट करते हैं, तो अल हरम थोड़ा आना मुश्किल होता है, और क्योंकि हम लोग मोस्टली यहाँ विज़िट नहीं करते। तो मैंने सोचा चले अच्छी बात है, हाँ अल हरम हमारी भी विज़िट हो जाएगी और हम भी चेक कर लेंगे। तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। और ये आप देखिए, वैसे यहाँ के अल हरम में दो तरफ से गेट है, और ये गेट नंबर 2 है और गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 1 में जो है वो बच्चों के सारी चीज़ें, और गेट नंबर 2 में जो है वो मेंस एंड वुमेन का है, और जो है हाउस होल्ड आइटम इसकी बेडिंग्स और ये सभी चीज़ें हैं। तो ये सब गेट नंबर 2 में। तो हम लोग को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था और हम लोग सीधे गेट नंबर 2 में इंटर कर गए थे। तो इंटर होते ही देखें यहाँ पे काफ़ी अच्छे मास्क भी मिल रहे हैं, जो कि सिर्फ 5 रियाल और 3 रियाल्स में। तो अच्छे मास्क हैं, क्योंकि उस तरह के मास्क जो होते हैं जो हम लोग जो मेडिकल मास्क यूज़ करते हैं, तो बच्चे तो उसको हमेशा ही ब्रेक कर देते हैं। और इस तरह के जो मास्क होते हैं जो कपड़े वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो जाते हैं। और बच्चों के लिए ये वाले मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, ये 5 रियाल के थे और 5 रियाल पर पीस है ये, पर अच्छे लग रहे थे। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखी, स्कूल बैग्स बहुत ही अच्छे थे। ये 118 का फुल पूरा बैकपैक था, जो कि बहुत ही अच्छा था, काफ़ी मजबूत लग रहा था। हम लोगों ने कभी अल हरम में चेक नहीं किया था, पर जब चेक किया तो काफ़ी अच्छे, और बच्चों की तरह मीन्स की गर्ल्स एंड बॉयज़ के अच्छे थे। और बॉयज़ के तो मोस्टली बेंटेन के थे, और गर्ल्स के जो हैं वो आई थिंक फ्रोजन ही थे। और सूटकेस और ये सब तो वैरायटी एज यूजुअल अल हरम में रहती है, काफ़ी अच्छी थी। अभी यहाँ पे कोई ऑफ़र नहीं चल रहा, वैसे अल हरम का भी ऑफ़र काफ़ी अच्छा रहता है, तो अभी तो यहाँ पे कोई ऑफ़र दिख नहीं रहा था जो कि काफ़ी स्पेशल हो तो मैं शेयर करती। बैग्स बहुत अच्छे थे, जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये बैकपैक नहीं थे, ये सिंपल एक बैग थे, जो कि ये 40 की रेंज में थे और बहुत ही प्यारे थे, मीन्स बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग लग रहे थे। फिर सीधे हम लोग अपस्टेयर चले गए थे कि पहले अपस्टेयर चेक कर लें। और डाउन में जो था वो जेंट्स के ज़्यादा थे, तो जेंट्स के सभी चेक करना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो मैंने सोचा आपको शुरू करती हूँ मैं ऊपर से ही दिखाना, क्योंकि ऊपर जो है बेडिंग सेट्स और हमारे हाउस होल्ड आइटम्स के रिलेटेड सारी चीज़ें थी। यहाँ कुशंस बहुत अच्छे थे, बहुत ही प्यारे डेकोरेटिव कुशंस थे। आपको जिसे भी घर के लिए डेकोरेशन के अच्छे लिए चाहिए, तो हर डिज़ाइंस के, हर डिफरेंस शेप्स के और डिफरेंस से आपको कलर्स में हर तरह के, देखिए जिसकी जैसी मीन से चॉइस हो, जैसे उनके घर के लिए ज़रूरत है उस तरीके से ले सकते हैं। और ये कंफर्टर के सेट बहुत अच्छे थे, और वही सेम रेट हो जाता है जैसा मोस्टली आपको हर जगह पे वही प्राइस थी। और बेडशीट जो थी वो 91 रियाल तक की थी। जयनमाजें बहुत प्यारी थी, जो कि 70-75 अराउंड उनकी प्राइसेस थी, पर बहुत ही खूबसूरत जयनमाजें थी। हमारे हरम मक्का के जो काबा शरीफ के जो दरवाज़े हैं उनकी डिज़ाइंस थी, और जो काबा शरीफ में जो है मक्के में जो बिछी हुई हैं वो उस तरह की सारी डिज़ाइनें थी। बहुत ये जो ये इस तरह की जयनमाजें होती हैं, ये आप किसी को गिफ्ट करें ना तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत। और ये हर जगह इस तरह की नहीं मिल पाती हैं, आप पे अगर मक्का मदीना जाएंगे तो मोस्टली आपको उसी साइड पर इस तरह की मिलती है। मदीना में बहुत ही अच्छी शॉप्स हैं, और जो कि वहाँ के गेट्स पर आपको मिलेंगे, वहाँ पर इस तरह की जयनमाजें मुझे वहीं दिखी थी, और स्पेशली मुझे अब जाके यहाँ दिखी। और थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा थी, 75-80-90 इस तरह के थे, पर देख लें कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ये, बहुत ही प्यारा काबा शरीफ का पूरा लुक इसमें दिया गया है देखें। और ये तो थी जैसे आप हरम में जो मीन्स कारपेट्स के जो होती सेम वही वाली कारपेट्स का लुक दिया गया, तो बहुत ये वाली मुझे बहुत प्यारी लगी थी। तो इस तरह की तो वही होती हैं कि आप किसी को अगर गिफ्ट करें ना तो वो याद रखेंगे, और कलर भी बहुत प्यारा था। और फिर एज यूजुअल सारे वही हैं, बाथरोब हैं जो बच्चों के, ये किट सारे बाथरोब थे और बहुत ही प्यारे थे। और फिर ये क्या नाम है डोर के जो मैट्स होते हैं वो भी थे, और शूज़ भी, शूज़ तो बहुत अच्छे, हरम की क्वालिटी मुझे नहीं लगती है, एक सेंटर पॉइंट में आपको इससे अच्छे शूज़ मिल जाएंगे और इसी पे प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी वही 42 और वही 50 रेंज में, तो 40 और 50 रेंज में तो आपको सेंटर पॉइंट में अगर आप सेल टाइम में ऑफ़र मिलें तो आपको ऑनलाइन इससे अच्छा डील मिल जाएगा। ये वाला शूज़ है 20 रियाल का था, पर इसका शेप देखें तो ये लग रहा है ये 20 रियाल के ही शूज़ हैं।
और अगर आप सेंटर पॉइंट में ऑफर ऑनलाइन ऑफर चेक करेंगे तो आपको 20-30 रियाल में आपको अच्छे और ब्रांडेड शूज़ मिल जाएंगे। तो शूज़ तो मैं कभी भी इधर मुझे समझ में नहीं आते, पर जिन्हें अगर समझ में आते इतना बैड भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइसें होती हैं, तो ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि बहुत बुरे हैं। और हमारे वुमेंस के अच्छी कलेक्शन थी, घर में पहनने के लिए आपको कैजुअल्स वेयर्स बहुत अच्छे थे, डेली वेयर्स जिसे हम कह भी सकते हैं, तो डेली वेयर्स के लिए टी शर्ट्स कुर्तीज़ और टॉप्स बहुत ही अच्छे, हर तरह के जिसकी जिस तरह की चॉइसेस हैं उस तरह की हैं। कैजुअल में इस तरह के टॉप्स जो हैं घर में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं और प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। टॉप्स भी थोड़े से मीन्स की स्टाइलिश टॉप्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे, कलर्स बहुत अच्छे थे। तो इस तरह हैं काफ़ी चीज़ें लेने लायक भी हैं, काफ़ी चीज़ें प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा महंगी भी लग रही थी, पर चीज़ें थीं कि आप खो जाएंगे। और लॉन्ग ड्रेसेस बहुत ही अच्छे थे, जो कि डिसेंट ड्रेसेस में जो आते हैं वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की लेडीज़ ज़्यादातर इसी तरह के ड्रेस प्रेफर करती हैं, तो लॉन्ग ड्रेसेस की वैरायटीज़ बहुत अच्छी थी। और ये तो वो वाले ड्रेसेस थे जो कि अभी कॉटन में चिकन के जो मटेरियल्स टाइप नहीं होते उस तरह के, ये सारे ड्रेसेस थे। और तो ये तो वहाँ के टिपिकल जो सऊदीज टिपिकल ड्रेसेस होते हैं वो उस तरह के थे। ये कैजुअल टॉप्स इधर देखिए, पूरे लाइन से आपको कैजुअल टॉप्स दिखेंगे, और जिसकी जिस तरह की चॉइस होती है वो तो उसी तरह के सिलेक्ट करते हैं। तो हर तरह के टॉप्स हैं, हर तरह के ड्रेसेस हैं, और बहुत ही ज़्यादा वैराइटीज़ तो बहुत ज़्यादा है कि आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। और लॉन्ग ड्रेसेस की वैराइटीज़ तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि आप देखते चले जाएँ और ख़त्म नहीं होगी, इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं हर तरह की साइज़ पर। मोस्टली यहाँ पर मीडियम्स टू एक्स्ट्रा लार्ज है, स्मॉल साइज़ बहुत ही कम मुझे दिख रहे थे। मीडियम साइजेस से XXL और डबल XL सारी साइजेस हैं। और अबाया के भी काफ़ी रेंज थे यहाँ पे, अबाया की रेंज जो है 120 रियाल से लेकर के 150-160 की रेंज में थे, और अच्छे डिज़ाइंस पे थे अबाया के, मैं ये नहीं कहूँगी ख़राब थे। और जिस प्राइस रेंज में अगर आप 120 से 150 की प्राइस रेंज में आप ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग्स अच्छी डिज़ाइंस थी। ब्लैक्स में ज़्यादा वराइटीज़ थी इनके पास, कलर्स में कम वराइटीज़ थी। अगर जिसे ब्लैक्स में लेने तो ब्लैक कलर के वराइटी ज़्यादा थी इनके पास, और अच्छी डिज़ाइंस थी, ब्यूटीफुल डिज़ाइंस थी। ये वाला ब्लैक वाला मुझे बहुत प्यारा लगा था, और इसकी स्टिचिंग भी बहुत प्यारी थी, बहुत ही कम क्रिस्टल वर्क था, स्लीव में हल्का सा और सामने हल्का सा क्रिस्टल वर्क है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक है, पर पहनने में स्टाइलिश लगेगा ये लग रहा था। और बहुत से लोग जो हैं वो ब्लैक ही प्रेफर करते हैं अबाया, तो उनके लिए अच्छा। ये चीज़ें तो मैं कहीं ना कहीं से मैं ढूंढ ही लेती हूँ, ये है टिपिकल सऊदी ड्रेसेस जो कि सऊदी लेडीज़ प्रेफर करती हैं, तो मुझे ये ना कहीं मिल ही जाते हैं। और मुझे ना टिपिकल सऊदी ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा बहुत दिल करता है मैं अभी इसको बाय करूँ। और ये सारे टिपिकल सऊदी ड्रेसेस हैं जो कि मैं ढूंढ ढूंढ के कहीं ना कहीं से निकाल ही लेती हूँ, और घर में डेली वेयर्स में ये इसी तरह के पहनना प्रेफर करती हैं। और इसको एक को दूसरा वर्ड भी इसका है, मुझे याद नहीं आ रहा है, और कभी याद आए तो मैं बताऊँगी। तो इस तरह के ड्रेसेस इनके डेली वेयर्स में वो ज़्यादातर घर में कम्फर्ट इसी में फील करती हैं, और वो इसी तरह के ड्रेस प्रेफर करती हैं। तो ये सारे भी मीडियम साइज़ से XL, मीडियम साइज़ लार्ज XL और डबल XL में है। और ये वाला बहुत प्यारा था, जो कि इसका कलर और इसकी एम्ब्रॉयडरी इसका वो देखे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर इसकी भी साइज़ सब वही लार्ज XL और बहुत ही बड़ी साइजेस में, क्योंकि मेरे साइज़ का नहीं था, वरना मैं इसको ज़रूर लेती, वरना बहुत प्यारी ड्रेस मुझे लग रही थी। इसका कलर कॉम्बिनेशन और मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। ये वाला वाइट वाला भी बहुत प्यारा था, और इसको भी देखिए आप, इसके साथ थोड़ी बेल्ट उल्टी थोड़ा फिटिंग में था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये वाले भी वही डेली वेयर्स हैं, यहाँ की लेडीज़ डेली वेयर्स में इसी तरह का प्रेफर करती हैं, और लॉन्ग ड्रेसेस ही वो प्रेफर करती हैं घर में। और ये कंफर्टेबल, जैसे हमारे कंट्रीज़ में हम अपनी जो ड्रेसेस होती हैं हम उसमें कंफर्ट होते हैं, तो इनका भी ओरिजिनली इनका बेसिक यही ड्रेसेस हैं जो कि वो घर में ज़्यादा पहनना पसंद करती हैं, और हमारी तरह शलवार कुर्ते तो पहनती नहीं है। तो ये सारे ड्रेसेस की काफ़ी वैराइटीज़, अगर जिसको लेना है कि सऊदी ड्रेसेस अगर पहनने का दिल कर रहा है, तो वो यहाँ पर आपको काफ़ी मिल जाएंगे। और स्टैचूज़ पर भी देखे लगे वही यहीं के ड्रेसेस जितने भी हैं, और बहुत ज़्यादा आई थिंक थाउजेंड्स आपको वैराइटीज़ इसकी मिल जाएंगी, आपको जितनी वैराइटीज़ देखनी। पर ये सारे ड्रेसेस हैं 90 रियाल से 120-150 की रेंज में, और इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक सिंगल ड्रेसेस है तो ऑब्वियसली इसी प्राइस रेंज में होगा, इससे कम तो नहीं मिलेगा। तो वही सारी में सारी प्राइसेस जो है 90 रियाल से स्टार्ट है। और हिजाब भी काफ़ी स्टोल्स आपके हैं, हिजाब के स्कार्फ्स के, इसकी भी वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा थी, और इनकी प्राइस रेंज थी 20 रियाल से। तो मैंने लुलू से लिया था, मुझे 12 रियाल में मिला था, पर यहाँ
पे जितने भी स्टोल्स थे जो अच्छे क्वालिटी के थे, जो अच्छे लेंथ और अच्छे मटेरियल्स के थे, उनकी सारी प्राइसेस 20, 24, 22 ऐसे थी। तो अच्छी तो क्वालिटी अच्छी है, हैवी है, पर आई थिंक लुलू में 12 रियाल्स में ज़्यादा अच्छा मिल जा रहा है, तो ये थोड़ा मुझे महंगा लग रहा था। और इधर फिर ये नोज़ पीस भी थी और स्टोल्स तो बहुत ही ज़्यादा वराइटीज़ थे, ये पूरा कॉर्नर इधर से ले के उधर तक आपको सिर्फ स्टोल ही स्टोल मैचिंग जिसे भी लेना है तो अपनी ड्रेस से मैच करा करके इसमें ले सकता है। मुझे वाइट कलर का चाहिए था पर वाइट कलर इनके पास नहीं था, थोड़े प्रिंटेड में थे, मुझे प्लेन वाइट चाहिए था तो प्लेन वाइट तो मुझे मिला नहीं। और शूज़ हैं ये सारे बच्चों के फंकी शूज़ हैं, देखिए फंकी कलर शूज़, और इनके भी वही सारी प्राइसेस हैं, 50 रियाल्स 60 रियाल्स 70 रियाल्स इसी प्राइसेज में सारे फर्स्ट कॉपी लग रहे हैं, ओरिजिनल नहीं है, सारी ब्रांडेड्स के फर्स्ट कॉपी इन्होंने रखे हैं, सबके दिख जाएंगे आपको। हील्स अच्छे हैं स्टाइलिश हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। और जितने भी स्टैलेटोस थे और आपको जितने भी पम्प्स भी, तो डिफरेंट सारे शूज़ और जितने भी आपको जो चीज़ चाहिए तो मैचिंग आप इधर से ले सकते हैं, इसकी वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा थी। और ये वाले मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि मैं स्टाइलेटोस में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मुझे मेरी ज़्यादा आई कैचिंग इधर ही हो जाती है, बहुत ही प्यारे लग रहे थे सिल्वर। तो जिसने ड्रेस ली, ड्रेस के साथ आप शूज़ मैच करें और बैग्स मैच करें और आपको स्टोल मैच करें, स्कार्फ, सब चीज़ें आपको वन अंडर रूफ आपको सारी चीज़ें मिल जा रही थी। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें सबके अपने अपने टेस्ट के हिसाब से हैं, जिसे जो चीज़ें पसंद आती हैं। और प्राइस रेंज आप हमेशा टैली कर लें कि आपको किस मार्केट में किस रेंज में मिल रहा है, क्योंकि मैं तो हमेशा टैली करके लेती हूँ। और ये देखिए प्लेन्स भी अच्छे हैं, फ्लैट्स में भी बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ थी, और प्राइस रेंज इन सब की प्राइस रेंज भी ठीक थी, ज़्यादा महंगे नहीं थे। और छोटे छोटे जो हैं होते हैं क्लच, ये भी बहुत अच्छे थे, क्यूट्स लग रहे थे। प्राइम की भी प्राइस वही 50-60 रियाल्स के ही थे, तो हर शेप के, हर डिज़ाइंस के, हर साइज़ के थे, जिसको जिस तरह का प्रेफर करते हैं, तो हर तरह के थे और डिफरेंट्स थे, वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एज यूजुअल, हर चीज़ की वैरायटीज़ इनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हर तरह के हैं जिसे जिस तरह के पसंद हैं। बैग्स भी थे, हर तरह के बैग्स हैं, हर कलर्स के हैं, जिसको जिस तरह की चॉइस है अपने ड्रेस से मैचिंग करके आप ले सकते हैं। ब्रांडेड नहीं है, ब्रांडेड की फर्स्ट कॉपी थे, तो उस तरीके से आप देख लें, तो कुछ तो बहुत ही प्यारे हैं, कुछ तो एज यूजुअल ऑर्डिनरी में भी आते हैं, लगते हैं फर्स्ट कॉपी, पर कुछ बहुत ही क्यूट से थे, बहुत ही अच्छे थे। और ये पूरी ये देख सकते हैं, ये पूरी इसमें जो है सिर्फ बैग्स और सैंडल्स यही आपको मिलेंगे। बच्चों के लिए भी वराइटीज़ बहुत अच्छी है, देखिए छोटे छोटे बैग्स जो हैं गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, कि उनको कैरी करने के लिए, बच्चों की भी आदतें होती हैं ना कि वो अपने टॉयज़ कैरी करके चलते हैं, तो ये बैग्स भी बहुत अच्छे थे, छोटे से थे, तो ये भी अच्छे लग रहे थे। कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, पर लिया तो मैंने वैसे कुछ नहीं है, पर कुछ बैग्स भी बहुत अच्छे थे, एक बैग मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, उसका कलर भी बहुत अच्छा था ये वाला, और ये देखिए इसका कलर भी अच्छा है, शेप भी अच्छा है, और बहुत ही अच्छा है, क्यूट सा लग रहा है छोटा सा, तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर जब ज़रूरत नहीं है तो लेने की मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरा बहुत ही रफ़ यूज़ में होता है, तो मुझे ले करके सिर्फ रख देना है, और इतने छोटे पे मैं अभी यूज़ करने का मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो देख लें ये सारी वैरायटीज़ आपको देखें, बैग्स हर कलर के, हर शेप्स के आपको बैग्स दिखते रहेंगे। ब्लैक्स भी ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था, तो डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर्स आप देखते चले जाएं, आप थक जाएंगे, पर वैरायटीज़ ख़त्म नहीं होगी, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है इनके पास। और प्राइस रेंज वही है 50, 60, 70, और बहुत ज़्यादा नहीं है वैसे प्राइस रेंज, इतनी ही प्राइस रेंज में हर जगह मिलते। और ये सारी सैंडल्स आप देखें, बहुत ही स्टाइलिश लग रही हैं, कंफर्ट के उससे मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी हरम की सैंडल्स यूज़ नहीं की हैं, तो वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि कंफर्टेबल है कि नहीं है, पर अगर इस तरह के शूज़ वैसे कम ही कंफर्टेबल होते हैं कहीं से भी आप लेंगे, पर देखने में बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं, तो कुछ चीज़ें बहुत ही स्टाइलिश हैं। हरम सेंटर वैसे भी काफ़ी फेमस होता है और काफ़ी लोग जो हैं यहाँ से शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं, तो इतना बुरा तो नहीं होता है अगर आप जाएँ और जा कर के लेना चाहें। और इधर बेबी बैग्स क्यूट से देखें, बनी बैग्स दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और फिर हम लोग आ गए थे गेट नंबर 1 में, बच्चों के सेक्शन में, तो इधर आप देखें तो इधर वॉकर और कॉट, हर चीज़ें इधर है, तो इस यहाँ पे इसकी भी वैरायटीज़ काफ़ी हैं, और जिनके छोटे बेबीज़ हैं जिन्हें शॉपिंग करनी है तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा रेंज है और अच्छे लग रहे हैं। बैसिनेट्स से लेके हर तरह के, कि सिर्फ कॉर्ड्स ही नहीं है, आपको हर तरह की चीज़ मिली हैं, स्विंग्स हैं और बच्चों के लिए मीन्स हर तरह की चीज़ें, और वैरायटीज़ भी बहुत हैं।
और बेबी क्लोथ्स आप देख सकते हैं, इतने ज़्यादा वैरायटीज। बेबी क्लोथ्स पे ऑफर चल रहा था, सारे जितने भी बेबी क्लोथ्स थे सब 20 रियाल के पर सेट, तो बहुत ही ये चीज़ चीप है, क्योंकि बच्चों के बढ़ते उम्र के बच्चों के लिए ना 20 रियाल इज़ बेस्ट। और ये गिफ्ट बैग्स बहुत अच्छे थे, देखिए गिफ्ट के बॉक्सेस इतने अच्छे लग रहे हैं। और इसमें एक पूरा सेट होता है कि आप किसी को गिफ्ट करना चाहें, तो मुझे मेरे ख्याल से सबसे अच्छा लगता है किसी को देना भी, और इस तरह से आप पैकिंग तो कर नहीं सकते हो। और ये वाली बास्केट मुझे सबसे ज़्यादा कैची लगी, कितनी क्यूट बास्केट ये लग रही थी, क्योंकि ये बास्केट आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो, और इसके कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा था। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी, वैसे यहाँ मोस्टली शॉप्स में आपको इस तरह की चीज़ें दिख जाती हैं। और ये छोटे छोटे जो हैं बेसिनेट्स, इसको नेस्ट भी कहते हैं, बेबी का नेस्ट होते हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। और ये हर कलर में, हर शेप्स में आपको डिफरेंट शेप्स डिफरेंट कलर्स में मिल रहे हैं, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और कभी यूज़ तो नहीं किया, क्योंकि हमारा जितना कम सामान बनाए उतना ही होता था, तो इसलिए इसको यूज़ तो कभी नहीं किया, पर बहुत प्यारे थे। और बच्चों के क्लोथ्स बहुत क्यूट थे, बच्चों के क्लोथ्स आप कहीं भी चले जाएँ बहुत ही क्यूट्स होते हैं। ये देखें, ये सेट्स थे, शॉर्ट्स और टॉप्स के सेट्स हैं, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे गर्ल्स के थे ये। और फ्रॉकें भी बहुत अच्छी अच्छी थी। और ये तो सेट्स था गर्ल्स का, ये भी सारे सेट्स में है, स्कर्ट्स विद टॉप्स, तो ये भी बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी। और ये देखें ये वाली कितनी क्यूट लग रही है विद अ फ्रिल्स फ्रॉक, और कलर कितना प्यारा है। तो बच्चों के ना आप गर्ल्स सेक्शन में आ जाए ना, तो बस आपने तो कपड़े ही तो कपड़े देखते चले जाए, हर चीज़ें इतनी क्यूट लगती हैं, और इनकी कलर्स भी बहुत प्यारे होते हैं जितनी भी गर्ल्स की होते हैं। और ये फंकी फ्रिली से जो होते हैं ना इनके कपड़े, तो बस रौनकें सारी ना गर्ल्स और वुमेंस के सेक्शन में ही दिखती हैं, वरना जेंट्स के सेक्शन में तो ये रौनकें हमें नहीं देखने को मिलती। ये वाली फ़्रॉक आप देखें, कितनी प्यारी प्रिंसेस फ्रॉक है, ब्लैक में है पर बहुत प्यारी। और बैक साइड से इसके देखें, इसका लेंथी सा निकला है, बहुत प्यारा लग रहा है। और फ्रॉकें भी बहुत अच्छी हैं, फ्रॉकों की भी वही 50-60-70 रियाल प्राइसेस हैं, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की इन्होंने यही प्राइस रेंज रखी है। और बहुत ज़्यादा फ्रिल्स वाली फ्रॉकें तो नहीं थी, बेसिक ही थी, क्योंकि आई थिंक समर आ गया है इस वजह से, और ये ज़्यादा फ्रिल्स वाली फ्रॉकें जो है ना ईद के टाइम पर ज़्यादा दिखती हैं। तो ईद तो गुजर गई है, आई थिंक अब जब बकरीद आने लगेगी तभी इस तरह की थोड़ी हैवी फ्रॉक्स दिखेंगी, वरना अभी तो इतनी ज़्यादा हैवी फ्रॉक्स मुझे नहीं दिख रहे थे। और जैसा कि हमारे यहाँ जदा में फ्यूचर मॉल में काफ़ी अच्छी फ्रॉकें मिलती हैं, तो उस तरह की हैवी तो नहीं थी, कैजुअल्स टाइप की ज़्यादा थी। तो ये भी देखिए, ये कॉटन की कैजुअल टाइप है, पर बहुत ही प्यारी और स्टाइलिश फ्रॉक लग रही है, और कलर बहुत प्यारा था, मेहंदी कलर मैं कहती हूँ उसको। तो इस तरह के कलर्स हैं, तो इस तरह की, और ये कंफर्टेबल भी होती हैं गर्ल्स को पहनने में, और फ्रिल्स वाली तो थोड़ी सी चुभती भी रहती हैं। और ये बॉयज़ का ये सेट देखें, कितना प्यारा लग रहा है, शर्ट विद पैंट, और ये वाली भी बहुत प्यारी लग रही थी। फिर इधर ये सारे साइकिल स्टैंड्स हैं, और बच्चों के जितने भी टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के जो होते हैं उनके स्कूटर्स छोटे से, वो सारी भी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये मैंने आपको मेंस सेक्शन नहीं दिखाया था, तो मैंने सोचा आपको मेंस सेक्शन भी दिखा दूँ। तो मेंस की भी वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, टी शर्ट्स, पैंट्स, सॉक्स, लोअर्स, हर चीज़ की वैरायटीज़ हैं। कुछ पे ऑफर्स चल रहे हैं, कुछ पे नहीं है, पर हरम सेंटर्स पे भी ऑफ़र आते हैं, तो समटाइम्स आप चेक करें तो आपको ऑफ़र्स भी मिल जाएंगे। तो आई थिंक ऑफ़र के टाइम आए तो ज़्यादा बेहतर होता है, अभी तो कोई ऑफ़र नहीं आ रहा है, तो मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी स्पेशली मैं आई हूँ, वरना ऑफ़र के टाइम आप आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और शूज़ भी काफ़ी वैरायटीज़ हैं, शूज़ के तो मैं बता नहीं सकती हूँ कितने रिलायबल हैं, कितने ड्यूरेबल हैं, पर देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, स्टाइलिश थे। और 54 इस तरह की, 50 और 60 यही प्राइजेस थी सारी चीज़ों पे, तो देखने में तो बहुत ही अच्छे शूज़ लग रहे हैं, हर कलर्स के और शेप्स के, डिफरेंट शेप डिफरेंट कलर्स सब हैं। तो वही होता है, जब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की आपकी चॉइस है, तो अगर आपकी चॉइस जिस तरह की, आपको हर तरह के हर डिज़ाइंस आपको मिलेंगे, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहें। तो शर्ट्स बहुत अच्छे हैं, अब फिटिंग का तो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर कपड़े और इनके कलर्स और सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। और शॉर्ट्स में क्योंकि समर आ गया, तो शॉर्ट्स की ये शॉर्ट स्लीव के भी शर्ट्स थे जो कि अच्छी लग रही थी, मुझे तो पसंद आ रही थी, पर परवेज़ भाई कह रहे थे कि इनकी शर्ट्स के मतलब कि इतनी ज़्यादा फिटिंग अच्छी नहीं होती है, तो हम लोग ने लिया तो कुछ नहीं, पर रिकॉर्डिंग फुल कर ली। और होप करती हूँ कि जिनके लिए मैंने ये रिकॉर्डिंग की है उनको पसंद आएगी, क्योंकि स्पेशली उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी आप हरम जाकर के सेंटर जाकर के अल हरम सेंटर जाकर के प्लीज़ वीडियो रिकॉर्ड करके मुझसे शेयर कर लें, तो मैं फाइनली आपके लिए वीडियो शेयर किए। फिर हम लोग सीधे आउटसाइड आ गए थे, तो आउटसाइड देखिए अब रात हो रही है तो और ज़्यादा रश हो गई थी, क्योंकि हम लोग शाम के टाइम आए थे आफ्टर मगरिब, तो तब इतनी रश नहीं थी। और आउटसाइड में सबसे कैची चीज़ मुझे ये लगी कि आप साइड में देख
देखें तो इतने छोटे छोटे से ये जो रोड साइड जो होते नहीं है, और ये लगे रहते हैं शॉप्स, और इसमें वही 5-10 रियाल वाले टॉयज और सॉक्स, और ये मुझे बड़े कैची कैची से लगते हैं, तो मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। इतर, परफ्यूम्स और छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ही क्यूट सी चीज़ें होती हैं, कभी कभी इनके पास अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, और टॉयज़ बड़े मतलब डिफरेंट टॉयज़ होते हैं इनके, आप देखते रह जाएँ। और इस तरह के टॉयज़ आपको अच्छे शॉप्स में नहीं मिलेंगे, और बच्चे भी ना शुरू हो जाते हैं हाथ आजमाना कि हाँ चले देख लेते हैं 5-10 रियाल के शॉप्स के सारे टॉयज़। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहें जिस तरह अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट किया है। और आप लोगों की रिक्वेस्ट ही आती है ना, तो दिल और खुश हो जाता है कि चलें आप लोग की रिक्वेस्ट भी कंप्लीट कर दें। तो बस मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट करने के लिए वजह से ही ये वीडियो रिकॉर्ड की है। तो होप करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑलवेज सपोर्ट मी एज लाइक यू ऑलवेज डिड।